असम के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के गुणवत्ता मानदंड निर्णय करने हेतु शुरू की गई गुणोत्सव कार्यक्रम का पहला और दूसरा चरण का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब तीसरी पर्याय का गुण उत्सव का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। असम के अन्य कई जिलों के साथ आज होजाए जिला के स्कूलों में भी तृतीय पर्याय का गुणोत्सव का कार्यसूची शुरू किया गया है। होजाए जिले के सर्वमुख तीन शिक्षा क्षेत्र क्रमानुसार जोगीजान, लंका और कठियातली शिक्षा क्षेत्र के सर्वमुख 889 विद्यालयों में यह गुणोत्सव मनाया जा रहा है। आज से शुरू हुआ इस गुण उत्सव को लेकर विद्यालयों में तत्परता बढ़ती दिखी है। अब विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं अपने अपने विद्यालयों को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। हर एक स्कूलों का शिक्षक, शिक्षिकाओं ने अब अपने विद्यालय श्रेष्ठ होने का आशा जता रहे हैं, साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा ली गई इस कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। जो ग्राफ है स्कूल का, जो उन्नयन का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। जैसे एक कहावत है कि हिंदुस्तान बढ़ रहा है, हमारा आज स्कूल भी आगे बढ़ रहा है, हमारा स्टूडेंट्स भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इस सरकार को धन्यवाद करते हैं। हमारे हेड सर का भी धन्यवाद। आज আমার তৃতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় যে গুণোৎসব আজি আরম্ভ হয়েছে, আর আমার গুড়িগাঁও গালাপানী হিমানালী বরগুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমি নীতি নিয়ম অনুসারে আমি রাতেপা 8:30 প্রার্থনা সভা স্টার্ট করেছো। প্রাথসভার পিছত আমার গাঁর মুখিয়াল সকল আর SMC কমিটির সদস্য সভাপতি সকলের উপস্থিতিত আমি শিল্পেট খুলি প্রশ্ন কাগজ আমি উলিয়াই পরীক্ষা আমি সমন্বয়ন আজি আমি আরম্ভ করেছো। আমার নীতি নিয়ম অনুসারে আজি আমার সমন্বয়ন চলি আছে, আর অহা কাইলে আমার দ্বিতীয় দিনের সমন্বয়ন হব, আর তৃতীয় দিনে আমার 6 তারিখত এক্সটার্নাল এভালুয়েটর। আসাম কে হোজাইছে ফারান আহমদ কি রিপোর্ট।